नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस मंच पर। मैं अभिसार शर्मा। अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना हमला जो है वो तेज कर रहे हैं। चार चरण के मतदान हो चुके हैं दोस्तों, तीन चरण के मतदान रह गए हैं और अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि भीड़ उनके साथ है, भीड़ की ऊर्जा उनके साथ है। जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें जनता से मिल रही है, अखिलेश यादव इस बात को लेकर आशावादी हैं कि उन्हें जीत हासिल हो सकती है। मगर क्या ऐसा होगा? जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। एक बात तय है दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं नतीजे क्या होने वाले हैं। एक बात तय है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनावों का एजेंडा बयां कर रहे हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों, उन्होंने अब तक का सबसे करारा हमला बोला है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर। आप जानते हैं कि भाजपा का प्रचार तंत्र अक्सर टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल करता है। अब इसके जवाब में अखिलेश यादव चिलम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने क्या नारा दिया या किस नारे पर खुशी जताई, आप देखिए दोस्तों। अरे क्या नारा निकाल के लाए हो, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। ये कौन चिलम पी रहा है? हमारे पड़ोसी के यहां धुआं निकलता है, कहीं वही तो नहीं है? ये नारा तो बड़ा अच्छा निकाला है। मैं पढ़ रहा हूं यहां से, लहर बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है। बीएड टेट वालों, तुम्हें समायोजित करने का काम करेंगे। और अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया था, बाबा बुलडोजर है। याद है या भूल गए? सुनिए फिर से। कि जो मुख्यमंत्री दूसरों का नाम बदलते थे, जगहों का नाम बदलते थे, इस बार अंग्रेजी के एक प्रतिष्ठित अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। उनका नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि अखिलेश यादव अब चुनावों का एजेंडा जो है वो तय कर रहे हैं, यानी कि वो जो बोलते हैं उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी को उतरना पड़ता है। मसलन अखिलेश यादव ने परिवार का एक ताना दिया था। अखिलेश यादव ने क्या कहा था याद है आपको? उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के परिवार नहीं है वो लोग लोगों का दर्द कैसे समझेंगे। जिन लोगों के परिवार नहीं है उन्होंने मजदूरों को सड़कों पर खुला छोड़ दिया था। उन्हें इस बात को लेकर भी उनका दिल नहीं पसीजा था कि गंगा में लाशें बह रही हैं, कोरोना में लोग जो हैं किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनके एक तन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरह से हिल गए हैं। कल उन्होंने अमेठी में एक चुनावी सभा को संबोधित किया था जहां पर उन्होंने इसका जवाब दिया, और यह पहली बार नहीं जवाब दिया परिवार वाले मुद्दे पर। इससे पहले भी प्रधानमंत्री परिवार वाले मुद्दे पर कहते रहे हैं। वो इस कदर रक्षात्मक मुद्रा में आ गए हैं कि वो ये कहने लगे हैं कि मेरा परिवार तो पूरा प्रदेश है, मगर वो बार बार अब परिवार का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अखिलेश के किस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुनिए अखिलेश का यह बयान। कि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। जिसके परिवार में अगर एक बेटा बेरोजगार है तो बताओ उसके परिवार में दुख और परेशानी होती है कि नहीं होती है? अगर एक बेटी शादी को है, महंगाई है, शादी करनी है, तो बताओ भाई से लेकर के पूरा परिवार इंतजाम में लगता है कि नहीं लगता है? तो ये परिवार, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का क्या दायित्व होता है वो नहीं समझ सकते हैं। तो सुना आपने। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहने को मजबूर हो जाते हैं, जहां वो अपनी मां का इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रतीक के तौर पर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब मेरी मां 100 साल की उम्र है, उन्होंने भी लाइन नहीं तोड़ी। उन्होंने भी जब उनका नंबर आया नियम से तब वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं,
अभी बूस्टर डोज तीसरे डोज की चर्चा चल रही है। मेरी मां ने नहीं लगवाया क्योंकि उम्र 100 साल है, लेकिन कोई और बीमारी नहीं होने के कारण उनका नंबर नहीं लगता है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता, या ये कहा जाए भाजपा के लिए चिंता, सिर्फ ये नहीं है कि अब वो अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देने पर मजबूर हो गए हैं। अखिलेश यादव चुनावों का एजेंडा चला रहे, उन्हें चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में वो भीड़ गायब है। मैं आपको अमेठी की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जो एनडीटीवी के पत्रकार आलोक पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल में दिखाई है। इस देख सकते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों, दो या तीन चीजें दिखाई देती हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री की आवाज पीछे है, अगर आप सुने, मैं उनकी आवाज सुनाता हूं पहले। तो सुना आपने, उसके बाद आप देखिए, खाली कुर्सियां तो हैं ही, इसके अलावा आप देख रहे हैं एक व्यक्ति यहां पर सो भी रहा है। बात यहां नहीं रुकती, अगर आप पीछे देखें वहां लोग जा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं और लोग सभा छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कोई सो रहा है, कुर्सियां खाली हैं, क्योंकि मैंने आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर इस तरह की उदासीनता नहीं देखी। मैं फिर भी स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि बीजेपी ये चुनाव हार रही है, मगर इस चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को नाको चने चबवा दिया है। क्योंकि इस वक्त तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, या जो खुद को गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं भी समझते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जीत जाएगी, किसी तरह से जीत जाएगी। क्यों जीत जाएगी, उसकी वजह समझिए। नंबर एक, सांप्रदायिक उन्माद, उसके पास जो हिंदू मुस्लिम वाला तुरुप का पत्ता है ना, उसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता। नंबर दो, संस्थाएं, प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, एनआईए का इस्तेमाल, पश्चिम बंगाल में भी हुआ, हाल ही में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए नवाब मलिक को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो लगातार इन तमाम चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और ये भाजपा का जो है ताकत है। इसके अलावा ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम किया है, अलग अलग योजनाओं के जरिए। यह भारतीय जनता पार्टी की भी ताकत है, यानी कि ये जो दो ताकत है ना, एक तो हिंदू मुस्लिम उन्माद जो कि गोदी मीडिया के जरिए वो फैलाते हैं, दूसरा ग्रामीण भारत में जो पैसा जोरों से पहुंचाने का प्रयास किया गया है, वो ये दो चीजें जो हैं वो उसकी ताकत हैं। मगर एक जो बहुत बड़ा उनके गले की फांस हो गई है, वो है आवारा पशु। प्रधानमंत्री अब अपने हर भाषण में आवारा पशु का जिक्र करते हैं कि अगर हम 10 को आ गए सत्ता में तो हम ऐसा चमत्कार करेंगे कि आवारा पशु वाला मुद्दा जो है उसका समाधान हो जाएगा। कैसे करेंगे, और आपके पास 5 साल थे, आपने अब तक क्यों नहीं किया, इसका जवाब नहीं है उनके पास। मगर मुझे खुशी है दोस्तों, ये चुनाव जिस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर एक तरफा चुनाव हो जाता, क्योंकि आपको ये बात समझना पड़ेगा, गोदी मीडिया का बस चलता तो ये चुनाव पूरी तरह से एक तरफा होता। क्यों? अखिलेश यादव की रैलीज नहीं दिखाई जाती, उल्टा विपक्ष को लगातार गालियां दी जाती है, उन्हें आतंकवाद, नक्सली, इन तमाम चीजों से जोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बिजनेसमैन, उनसे जुड़े बिजनेसमैन के घर पर भी छापा पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, मगर निशाना किस पर साधा जाता है? समाजवादी पार्टी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भी इन पैसों का जिक्र करते हैं, जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि पीयूष जैन, जिनके घर यह पैसा मिला था, वो इत्र देते थे शिखर पान मसाला को, शिखर पान मसाला, उसके घर भी रेड पड़ी थी, मगर उस रेड का क्या हुआ, रहस्यमय तरीके से सब गायब हो गया। शिखर पान मसाला भाजपा की समर्थक है, उस लॉजिक से तो पीयूष जैन भी उनके समर्थक हुए। तो कहने का अर्थ यह है कि विपक्ष पर लगातार हमलावर मीडिया है, और यही प्रचार जो है वो भाजपा के काम भी आ रहा है। बहरहाल 10 तारीख अब ज्यादा देर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, और इसी मंच पर जो खबरें जमीन से आ रही हैं उसकी पूरी एनालिसिस, पूरी व्याख्या मैं अभिसार शर्मा आपको लगातार देता रहूंगा। नमस्कार।